हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋचा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा पराठा और ये जो रेसिपी है ये बहुत सिंपल है, इजी है और टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक और कमेंट देना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि पिज्जा पराठा कैसे बनता है मेरी स्टाइल में। पिज्जा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए है एक कटोरी, मैंने मोजरेला चीज लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने पिज्ज़ा सॉस लिया है, अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस ना हो तो आप नॉर्मल सॉस यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस ले रही हूँ, इसके अलावा मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स और मैं ले रही हूँ पिज्ज़ा मिक्स। अगर आपके पास पिज्ज़ा मिक्स नहीं हो तो आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ले कर यूज़ कर सकते हैं। और मैं प्याज ले रही हूँ, एक प्याज है ये और एक शिमला मिर्च, इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। कॉर्न लिया है, इसे मैंने हाफ बॉईल कर लिया है और टमाटो लिया है मैंने एक। इसके बाद मैंने एक कटोरी आटा लिया है और उसे मैंने मांड लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल सकते हैं और इसे मीडियम आप मांड लीजिए। इसके अलावा हमें लगेगा ऑयल, इसमें हम नमक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। तो सबसे पहले मैं अब एक बाउल लूँगी और उसमें सारी वेजिटेबल जो हमने ली हैं वो डाल लेंगे। इसके अलावा आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। मैं अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, अब मैं इसमें डालूँगी चीज़, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। और मैं ले रही हूँ इसमें अब पिज़्ज़ा मिक्स, इसमें हर्ब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, आपके पास ना हो तो आप काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसे साइड रख दिया है और मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, इसके अलावा आटा और सूखा आटा लिया। अब मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं एक बॉल ले लूँगी आटे का और मैं इसे थोड़ा सा आटा लगाऊंगी सूखा वाला और उसके ऊपर फिर इसको मैं बेलूंगी। आज मैं आपको दो तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ, दो टाइप के शेप, एक स्क्वायर बनाएंगे और एक हाफ सर्कल बनाएंगे हम। ये मैं स्क्वायर वाला बना रही हूँ। आप स्क्वायर वाला जब बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा इसको ज़्यादा सेकना पड़ता है, तो आपको जो पसंद आए आप उस शेप में कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे इतना पतला बेला है, अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसे सेकना कम पड़ेगा। और इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया, अब मैं इसमें ये जो हमारी बनाया है हमने चीज़ का, तभी मैं इसकी फिलिंग करूँगी और अब मैं इसे इस तरीके से मोड़ूंगी। इसे अच्छे से हमें मोड़ना होगा नहीं तो ये खुल सकता है। ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा पुश कर दीजिए इधर से भी। ये देखिए, इसे हमें ज़्यादा सेकना पड़ेगा, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है तो ध्यान रहे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो यही डिज़ाइन चुनिए, अदरवाइज़ आप जो मैं सेकंड बताने वाली हूँ आप वो चूज़ करिए। ये देखिए, इसे हल्का सा पुश कर लीजिए और इसे अलग रख दीजिए। अब देखिए, मैं आपको दूसरा शेप बता रही हूँ कि दूसरे डिज़ाइन में आप कैसे बना सकते हैं। अब मैंने एक रोटी बेल ली है, इसको भी मैंने उसी तरह से पतला बेला है और मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है यहाँ पर, और उसके बाद मैं अब इसे स्टफिंग करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसे मोड़ लूंगी। देखिए, इसे अच्छे से जमा के इसे फोल्ड कर लीजिए इस रोटी को और इसे अच्छे से दबा दीजिए। ये गुजिया के शेप का हो गया है और अब मैं इसे फॉर्क की मदद से दबा लूंगी ताकि ये खुले ना। टाइम तो इसमें भी लगता है इसे सेकने में, बट ये स्क्वायर वाले से जल्दी हो जाता है। ये देखिए, ये बनके रेडी हो चुका है और अब मैं इन्हें सेकूंगी। अब मैंने तवा गरम कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी स्क्वायर वाला पिज़्ज़ा, ये देखिए, और इसे फिर हम अच्छे से सेकेंगे। तो अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, देखिए इसको अब मैं पलट ले रही हूँ और इस तरीके से जब ये हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा सा ला लूँगी ऑयल इसमें ज़्यादा लगेगा, इसे अच्छे से फैला लीजिए। थोड़ी देर बाद फिर इसे पलट लीजिए। इसे बहुत ही लो फ्लेम में हमें बहुत देर तक पकाना पड़ता है, कम से कम शायद 5 मिनट तक।
आपको ऐसा लगे कि ये हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, तभी आप इसे निकालें। अदरवाइज इसे आप लो फ्लेम में करते रहें, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह सकता है। ये देखिए ये हो चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। मुझे 5 मिनट हो चुके थे इसे बनाते बनाते, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये क्रिस्पी हो चुका है, तो अब मैं दूसरा जो हाफ सर्कल वाला है उसे मैं करूँगी, और इसे भी हम अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए ये इसको मैं इस तरीके से सेक रही हूँ बीच से, ताकि ये कच्चा ना रह जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे सेकना है, और इसे अच्छे से थोड़ा सा दबा के सेक लीजिए। और ये हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये स्क्वायर वाला है जिसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर काटा हुआ है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।